हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सीटेट मास्टर में। जैसा कि मैं आपको अनुच्छेद की क्लासें लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, दो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी नीति निदेशक तत्वों तक दोस्तों, आर्टिकल 36 से 51 तक। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद की लेक्चर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों 51 से आगे आर्टिकल्स की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमारे जो चैनल पे क्लासेज चल रही हैं दोस्तों, मैथ की कुलदीप सर द्वारा, इंग्लिश की आशीष सर द्वारा डेली अटेंड कर रहे होंगे दोस्तों, और अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके दोस्तों कर रहे होंगे। मेरी द्वारा जो कल एनवायरनमेंट की दोस्तों क्लास ली गई, आशा करता हूँ कि आपने देखी होगी। ठीक है दोस्तों, और आज मैं ये अनुच्छेद की क्लास ले रहा हूँ, और अभी कुछ देर बाद मैं सीटेट की क्लास दोस्तों एक लाऊंगा कि कैसे सीटेट में कौन कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं फिलहाल आर्टिकल्स की, अनुच्छेद की, कि 51 से आगे अनुच्छेद क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 52 की। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 52 अनुच्छेद जो 52 है दोस्तों, वह क्या कहता है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, एक बार देख लूँ मैं वो दोस्तों, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, दिख रहा है। आर्टिकल 52 दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि राष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल 52 हमारा अनुच्छेद 52 जो है दोस्तों, कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर आप लिखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति हुआ। ठीक दोस्तों, आर्टिकल 52 क्या कहते हैं दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में दोस्तों बात करते हैं। देखिए, वैसे तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मगर इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता है कि अभी हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है, तो राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। वैसे तो केवल 52 इम्पोर्टेंट है, और 2-3 इम्पोर्टेंट है जैसे 60 शपथ वाला, 61 महाभियोग वाला, मगर इस समय 72 क्षमादान वाला। मगर जब इस समय, क्योंकि राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव हुआ है, तो सारे आर्टिकल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 53 में क्या दिया है। आर्टिकल 53 में दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम सीधे लिख लेंगे कार्यपालिका शक्ति। आप समझ जाइए किसकी कार्यपालिका शक्ति दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दोस्तों बात की गई है। आर्टिकल 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 उसकी कार्यपालिका की शक्ति। आर्टिकल 53 दोस्तों, आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है दोस्तों। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा इसकी बात करता है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचक मंडल की बात करता है। आगे बढ़ते दोस्तों आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 ये किसकी बात करता है दोस्तों, यह निर्वाचन विधि की बात करता है। वह निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होगा, निर्वाचन विधि, जिसे हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणी मत पद्धति यूज किया थी, तो वही इसकी बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 55 में ऐसा लिखा है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन विधि ऐसा कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होगा, आर्टिकल 55 में लिखा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और राष्ट्रपति के आगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित। पचपन तक दोस्तों हो गए, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया है कि राष्ट्रपति कार्यकाल मतलब जैसे 5 साल होता है आपको पता है, तो वह आर्टिकल किसमें दिया है, अनुच्छेद किसमें दिया है, अनुच्छेद 56 में। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट बहुत दोस्तों, आर्टिकल 60, जिससे अभी जो रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों पूछा गया आर्टिकल 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, पेट में भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 60 दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, क्या क्या प्रावधान है। वह दोस्तों हमारा अनुच्छेद 60 में दिया गया है कैसे हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा आता है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61, यह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उसके बारे में बात करता है। राष्ट्रपति ऊपर महाभियोग, महाभियोग क्या होता है दोस्तों? महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को दोस्तों हटाया जा सकता है। यह हटाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दोस्तों सूचना दी जाती है। आपको इतना याद रखना है, आर्टिकल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी जो डिटेल में होगा मैं आपको बाद पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो अभी आपको क्यों याद रखना है, आर्टिकल 56 में क्या दिया दोस्तों कार्यकाल, आर्टिकल 60 में दिया दोस्तों शपथ के बारे में राष्ट्रपति के, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग के बारे में दोस्तों दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 61 हो गया, आगे आता है दोस्तों आर्टिकल 72 है, बहुत ही फेमस आर्टिकल है, मगर आर्टिकल 71 भी आजकल दोस्तों एग्जाम में पूछा आता है। आर्टिकल 71 क्या दोस्तों कि राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित कोई विवाद होगा, चुनाव संबंधित, चुनाव संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसको उसका मतलब निपटारा या तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, तो वह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करेगा। और किस अनुच्छेद के अनुसार करेगा, आर्टिकल 71 में ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी दिक्कत या गड़बड़ी कोई विवाद आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दोस्तों करेगा। आप ये इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, फिर हम और आर्टिकल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, राष्ट्रपति के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए यही क्वेश्चन जो आर्टिकल हैं वही आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखने हैं। और ज़्यादा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना दोस्तों, ना ही आप याद रख सकते हैं ज़्यादा आर्टिकल, सारे आर्टिकल देखिए कोई नहीं याद रख सकता। जो भी आपको बस इतना याद रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपसे गलत ना हो दोस्तों एग्जाम में। तो 71 दोस्तों हो गया, अब आर्टिकल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्टिकल 72। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहता है जब भी कोई केस वेस होता है। तो आर्टिकल 72 दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, क्षमादान। आर्टिकल 72 दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर कोई भी जैसे कोई जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अगर सजा सुना देती है, तो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुनाता है, तो उसको एक राष्ट्रपति द्वारा मतलब क्षमादान की याचना राष्ट्रपति के पास डाल सकता है। राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति पर पूर्ण निर्भर करता है कि वह उसको क्षमादान प्रदान करे या ना करे। तो अक्सर यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल किस में है, अनुच्छेद किस में दी गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 72 हमारा अनुच्छेद 72 में दोस्तों दी गई है, आर्टिकल 72। ठीक है, तो फिर दोस्तों आगे आर्टिकल आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में दोस्तों अनुच्छेद 76 में दोस्तों भारत की महान्यायवादी की मतलब भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है।
भारत के महानवादी महा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमारे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है दोस्तों। यही हमारे भारत सरकार के जितने भी केस होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लड़ता है सरकार की तरफ से। तो भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76, 72 हो गए तो 76 हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल 108, 108। बाकी जो दोस्तों बीच में छूट रहे हैं वो उपराष्ट्रपति संबंधित हैं तो मैं एक साथ कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी ये राष्ट्रपति संबंधित चल रहा है तो आप राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल एक बार में देखिए रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल कौन कौन सा पूछ सकता है, क्योंकि इस समय हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको पता है उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो अभी जो बने हैं मैं उनके भी आर्टिकल एक साथ आपसे डिस्कस करूंगा कल के दिन, ठीक है दोस्तों। आज आप केवल राष्ट्रपति के आर्टिकल देख लीजिए कि क्या क्या है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 की बात करते हैं। इसमें क्या दोस्तों संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया। दोस्तों संयुक्त बैठक क्या है दोस्तों? ये संयुक्त बैठक दोस्तों क्या है कि जब किसी भी मामले में दोनों लोकसभा और राज्यसभा की मतलब वो सुझाव चाहिए होता है तो राष्ट्रपति दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। अब आशा करते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है ये आशा करता है कि इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं बता दूं आपको। राष्ट्रपति क्या होता है? अनुच्छेद 108 के माध्यम से बैठक बुलाता है, मगर आपको याद रखना है कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए। अनुच्छेद 108 के माध्यम से राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की, मगर उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वह करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक दोस्तों। तो अनुच्छेद 108 के माध्यम से राष्ट्रपति दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाता है, आपको याद रखना है, मगर उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर दोस्तों उसकी अध्यक्षता करता है। आगे दोस्तों आर्टिकल बात करते हैं 110 की। आर्टिकल 110 में दोस्तों क्या दिया गया है? आर्टिकल 110 में दोस्तों धन विधेयक की बात की गई, ठीक दोस्तों। आर्टिकल 110 धन विधेयक की बात की। ठीक दोस्तों आप इसका स्क्रीन रख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपने चारों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन फोर्टी थ्री आर्टिकल तक है तो और आगे हम लोग ले लेते हैं 110 आर्टिकल तक आपने पढ़ लिया दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 112 में दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112। अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए जो बजट पेश होता है वो ऐसा कोई शब्द हमारे संविधान में दिया नहीं है, बजट की जगह हमारे संविधान में दिया गया है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को हम लोग कहते हैं बजट, जो कि हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि हमारे वित्त मंत्री पेश करते हैं। इस समय हमारे वित्त मंत्री वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक दोस्तों। इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन है? माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। वही हमारा बजट पेश करती हैं। बजट ऐसा शब्द हमारे संविधान में नहीं दिया दोस्तों, मगर हम लोग कहते हैं कि बजट पेश किया जाता है। और वो है कौन कौन दोस्तों? आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों दिया गया है अध्यादेश। राष्ट्रपति दोस्तों क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है दोस्तों तो उनको सम्मान दिया जाता है। तो आर्टिकल 123 दोस्तों हम यहाँ नोट कर लेते हैं, आर्टिकल बीच में थोड़ी जगह स्पेस पड़ी है। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 दोस्तों क्या बात करता है? अध्यादेश। राष्ट्रपति जब कभी कभी अध्यादेश जारी करता है तो आपको याद रखना है अध्यादेश
जारी करना। ठीक है दोस्तों, आप पूछते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। अब दोस्तों बात करते हैं अगला आर्टिकल 129। पहले दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 124 की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आर्टिकल 129 की बात करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 124 दोस्तों क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया कि हमारा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, या आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 में दिया गया। मैं आपको एक क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे हो राष्ट्रपति के आर्टिकल बता रहा हूँ, तो इसी में देखिए एक रिलेटेड चीज़ आएगी, जो अगला आर्टिकल है वह राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है दोस्तों, इसीलिए मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल भी बताने पड़े। दोस्तों क्या है अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 129 क्या कहते दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है, याद रखिए आर्टिकल 129 क्या, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अगला आर्टिकल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143, 143 राष्ट्रपति का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, कोई दबाव उबाव नहीं है, जरूरी भी नहीं है, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहें किसी किसी मुद्दे पर, जब राष्ट्रपति चाहें तो वह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परामर्श ले सकते हैं, ये देखिए पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों आपका, पूछा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के माध्यम से जारी करते हैं, तो 123 आर्टिकल, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं, अनुच्छेद 143। तो आज आर्टिकल के अनुच्छेद दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुच्छेद सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए, अब अगले लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है सीरीज पसंद आ रही होगी, जो हमारे आर्टिकल की सीरीज चल रही है दोस्तों वो आपको पसंद आ रही होगी। आज मैंने उसी क्रम में आपको राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद करा दिए दोस्तों, अब जो भी आर्टिकल बचे हैं थोड़े उपराष्ट्रपति के वो कराऊंगा, उसके बाद 143 के हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जो UPSC पैट का दोस्तों एग्ज़ाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, हमारे जो 73 नंबर 96% बने थे दोस्तों UPSC पैट 2021 में पहली बार हुआ था, तो बने थे तो कैसे बने थे, तो मैंने ऐसे ही दोस्तों पढ़ा था, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आशीष सर के भी दोस्तों अच्छे नंबर थे, मैं जल्द ही एक इंटरव्यू आशीष सर का लाने वाला हूँ कि आशीष सर ने UPSC पैट में क्या स्कोर किया और कैसे किया, तो हमारी रणनीति वो जल्दी आएगी हमारे इसी चैनल संदीप सीटेट मास्टर पे। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको हमारी जो कोशिश है ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।